हे व्यूअर्स, वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ राइस पराठा की रेसिपी। ये स्टफ़ पराठा है जिसे कि लेफ्टओवर राइस से, पिछले दिन के बचे हुए राइस से बनाया हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि हम चावल बनाते हैं और वो बच जाते हैं, तो उसको हम इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। स्टफ़ राइस पराठा बनाने के लिए पहले हम राइस की स्टफ़िंग बनाते हैं। राइस स्टफ़िंग बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए चावल 1 कप, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हरी मिर्च 1 से 2 बारीक कटे हुए, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, पानी 1 चम्मच, गुथा हुआ आटा पराठे के लिए, तेल या घी पराठे को सेकने के लिए, और चाहे तो फ्रेश धनिया या फिर धनिया की सूखी पत्तियों को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में राइस लेते हैं और राइस को हाथ से इस तरह से हम मैश कर लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डालते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कटी हुई हरी मिर्च मिला लेंगे और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे राइस स्टफिंग काफ़ी सूखा लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अगर आपको इस तरह से लगता है कि राइस स्टफिंग काफ़ी सूखा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, 1 या 2 चम्मच, और अगर ठीक लगता है तो पानी ना डालें। इसे हम पानी डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने सूखा हुआ धनिया डाला है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब ये राइस स्टफिंग बिल्कुल तैयार। अब हम आटे के छोटे पोर्शंस कर लेते हैं और हर एक पोर्शन को इस तरह से हम चपाती की तरह रोल कर लेते हैं। इसके सेंटर में हम ये राइस स्टफिंग रख देंगे। आपको जितना थिक या थिन पराठा चाहिए उसी हिसाब से आप राइस स्टफिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच स्टफिंग रखी है और काफ़ी थिक पराठे बनाए हैं। अब हम इसे इस तरह से सील कर देंगे और अब इस पर आटा डस्ट करके इसे हम हल्के हाथ से रोल कर लेते हैं। इसी बीच हम तवा गरम होने के लिए रख देते हैं और ये पराठा अब रोल हो चुका है। अब इसे हम तवे पर सेकने के लिए डाल देंगे। जब ऊपर की सरफेस का कलर चेंज होने लगता है तब हम इसे एक बार पलट देंगे। और अब जब पराठा नीचे से भी अच्छी तरह से सिक चुका है, इसे एक बार और पलट देंगे। अब इस पर हम घी या तेल, जो भी आप प्रेफर करते हैं, इसे लगाकर दोनों तरफ से इवनली सेक लेंगे। इस तरह से जब ब्राउन स्पॉट्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं, हम पराठे को सेक लेंगे। इसी तरह से हम बाकी आटे के और राइस स्टफिंग के पराठे तैयार कर लेते हैं। तो ये थी बचे हुए राइस से राइस पराठा बनाने की एक इजी सी रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।